फ्रेंड वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, बोले मुझे भी गलती हो जाए तो माफ करिए, पार्ट शुक्र धन्य कर करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मेरे सुबह सुबह से काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि यार ठंडा मौसम है, पीतर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी दिन बारिश ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड जो मेरे प्लांट छोटे पॉट में लगे थे तो उन्हें मैं बड़ा पॉट दे रही हूँ, क्योंकि उनकी रूट बाउंड हो गई थी, इतने छोटे छोटे में से लगे थे। तो मैंने देखिए इनको निकाल लिया है, अब मैं इनको दूसरे बड़े पॉट में लगाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड ये रही मेरी मिट्टी, देखिए कितनी एकदम से काली और कितनी भुरभुरी है, और मैं इसमें मिला लूँगी गोबर की खाद। और मेरी मिट्टी बहुत अच्छे से बनके तैयार है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखी थी, देख सकते हैं आप। तो मिट्टी में आप जैसे ही कोई भी प्लांट लगाएं फ्रेंड, तो पहले मैं इसमें लगा दे रही हूँ मटका में, तो ये अच्छे से इसमें ग्रोथ होते रहेंगे, दोनों को इनमें लगा दे रही हूँ। तो पहले से मैं इनमें से कुछ ये लीव्स हैं इनको डाल दूँगी, ये आराम से नीचे डिकम्पोस्ट होती रहेगी। तो इसको मैं सबसे नीचे इसी को डाले दे रही हूँ। कोई भी पौधा आप लगाइए तो पहले सभी को पता है कि कुछ ना कुछ हमें डाल देना चाहिए। और ये है मेरा ख़राब हो गया था चना का, जो भाजी का नहीं होता सुस्का, तो वो था, तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब इस टाइम कौन इसको बनाता है, तो इसलिए ख़राब हो गया था। तो मैं इसको अपनी मिट्टी मिला के और इसको भी मैं इसी में डाले दे रही हूँ, इसी में डाल दूँगी, ताकि ये भी मेरे प्लांटों के लिए सुंदर सड्डी कंपोस्ट ये भी बन के तैयार हो जाएगा इसी के अंदर, और मेरे प्लांट को शक्तियाँ मिलती रहेंगी इससे। अब इसमें से मेरी है खाद गोबर की, आप लोग देख सकते हैं एकदम से ये काली हो गई है बनके, तीन चार साल का पुराना गोबर था फ्रेंड ये, और ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हुआ है, ये देख। तो मैं इस तरह से इसको मिला लूँगी, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से इसको मिला रही हूँ, तो अच्छे से नहीं बन पा रहा फ्रेंड। तो मैं इसको मिला करके फिर लगा करके फिर मैं आप लोगों को फाइनल दिखाती हूँ। मैं इसी में से दोनों प्लांट लगाने वाली हूँ, इसको भी, क्योंकि ये बड़ा है ना, देख सकते हैं आप, इसमें से काफ़ी मिट्टी आ जाती है, इसलिए मैं इसमें से दोनों ही लगा दूँगी, मैं लगा के दिखाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली मेरे ये प्लांट लग के रेडी हो गए हैं, मैंने इनको इसमें से लगा दिया है, और देखिए सभी को बड़े पॉट दे दिया है कि ये साल भर इनकी मिट्टी नहीं चेंज करनी पड़ेगी, और बस गुड़ाई करके खाद वगैरह डालते जाए। वैसे इन प्लांटों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, ये आसानी से होते रहते हैं, इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और देखिए दोनों को मैं इस मटके में इन दोनों को लगा दी हूँ, ताकि इसमें मिट्टी पर्याप्त है इन प्लांटों के लिए, और ये दोनों आसानी से इसमें से ग्रो हो जाएंगे। और इसमें भी मेरे दो ही लगे हुए थे, एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का दूसरा वैरायटी है और एक ये फन की है, लेकिन ये इसी में से साथ में ही थे, पता नहीं कैसे, देखिए तो फिर मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि दोनों प्लांट ना मेरे ख़राब हो जाए इसलिए मैंने निकाला नहीं है। ये भी होता जाएगा और ये भी होता जाएगा, दोनों इसमें से ग्रो हो जाएंगे, ताकि अच्छे लगते हैं साथ में ही। तो मैंने दोनों ही प्लांटों को एक ही साथ लगा दिया है, और पॉट भी मेरा बड़ा है, तो ये दोनों आसानी से हो जाएंगे। तो अब आप बताइए मेरे आप लोगों को प्लांट कैसे लगे, और मेरे पॉट दे दिया जो मैंने, कैसे हैं, ठीक है इनके लिए पर्याप्त है ना। ये मटका है मेरा और ये दोनों गमले हैं। तो फ्रेंड मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर आपके भी ऐसे कोई प्लांट हैं और छोटे पॉट में लगे हैं, तो अभी टाइम है, अब तो रिपोर्ट करने का टाइम है, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो हम अभी रिपोर्ट कर ले तो सर्दी तक में एडजस्ट हो जाएंगे, और सर्दियों में भी कर सकते हैं, फिर गर्मियों में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब धूप लुआर चलती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अब ठंडा मौसम है, तो अब हम ये रिपोर्टिंग ऐसे कर सकते हैं, बरसात के मौसम में भी कर सकते हैं। लेकिन अब बरसात तो जाने ही वाली है, चली ही जा चुकी है, बस अब पीतर के बाद नवरात्रि आने वाली है,
10-15 दिन का काम है, इसके बाद आ गई सर्दियाँ, तो इसमें से प्लांट हमारे अच्छे से सेट हो जाते हैं, हम जौन से भी पॉट में देना चाहें वो अच्छे से लग जाते हैं। देख सकते हैं ये, जब इनका मुझे बोन साइज बनाना है कट करके, तो अभी मैं अभी ये थोड़ी सा एडजस्ट हो जाए फिर मैं इनकी पिंचिंग करूँगी, तो ये गोल गोल बन जाएंगे, जैसे लगे नहीं रहते कहीं भी, देखो पेट्रोल पंप और कहीं देखो तो ऐसे ही प्लांट लगे रहते हैं 100 पीस में, और बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे भी बहुत ये सुंदर लग रहे हैं। ये हमेशा ही ग्रीन ग्रीन, जैसा भी आप इनको आकार देना चाहें वैसे दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इसमें से लगा दिया। तो बाय बाय फ्रेंड, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय। कैसे लगे मेरे प्लांट कमेंट में आप बताइएगा।